16 घंटे लगातार पढ़ने के बाद रात में 2 बजे मेरे दिमाग में आया, सुबह पेपर 8 बजे, 2 घंटे सो लेता हूँ, सुबह उठ के पढ़ लूंगा और मैं सोने चला जाता हूँ। एंड भाई जैसे ही मैं सोता हूँ कुछ होता है। उस टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है। मैं सो रहा होता हूँ एंड मैं खुद को सोते हुए देख पा रहा होता हूँ। खुद को छोड़ो, मैं पूरे रूम को देख पा रहा होता हूँ। मेरी आंखें बंद होने पर भी मैं खुद को सब जगह से देख पा रहा था। इतना सब हो ही रहा होता है कि मेरी नजर मेरे रूम के कोने में पड़ती है। वहां पर एक अजीब सी काली चीज छुपी हुई थी एंड धीरे धीरे वो काली चीज मुझे दिखने लग गई थी अच्छे से। उस टाइम डर से जो मेरी रूह कांपी ना, अंदर से चीखे निकल रही थी मेरे, और मेरी बॉडी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। मैं अपना हाथ हिला पा रहा हूँ ना अपना पैर हिला पा रहा हूँ और मेरी आंखें अभी भी बंद है। वैसे मेरी यूजलेस बॉडी को पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। ऊपर से मुझे मेरे बायोलॉजी के आंसर्स अलग याद आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ सेल। अरे भैया ह्यूमन की बॉडी में 206 हड्डी होती है। सब्सक्राइब। मैं उस टाइम खुद को बस समझा रहा था कि ये बस एक सपना है, लेकिन इतना डिटेल्ड सपना किसको आता है यार। नॉर्मल सपने में ना कोई ऐसी चीज होती है जो तुम्हें बता देती कि हाँ भाई ये एक सपना है, जैसे कोई एलियन। लेकिन उस टाइम जो चीज हो रही थी ना वो इतनी डिटेल्ड थी। मेरा कॉफी का कप भी वही था जहाँ मैंने सोने से पहले रखा था। मेरी बहुत ज्यादा फट गई थी उस काली चीज से। मैं सोच रहा था भाई ज्यादा पढ़ने से क्या भूत भूत दिखने लग जाते हैं क्या। बट उसके बाद मेरी बॉडी में धीरे से जान आती है और मेरी एकदम से नींद खुलती है। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या, बट उस टाइम मैंने उसे एक बुरा सपना समझ के इग्नोर किया।